सुकमा जिले में अवैध नशे के व्यापार पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। उड़ीसा से उत्तर प्रदेश जा रहे तस्कर को भारी मात्रा में गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं वाहन सहित गांजे की कीमत 13,32,000 बताया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने दोरनपाल के शबरी नदी पुल पर आरोपी प्रताप भदौरिया को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दोरनापाल में दिनांक 6 सितंबर को उत्तराखंड नंबर की गाड़ी थी टाटा पंच, उसमें गांजा का परिवहन करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। गांजे का वजन लगभग 52 किलो 910 ग्राम है, टाटा पंच गाड़ी है और जो आरोपी का नाम है राम प्रताप सिंह भदौरिया, ये थाना आमापुर जिला कासगंज उत्तर प्रदेश का निवासी है। इसे पूछताछ की गई है और इसके सोर्स और टारगेट तक पहुंचने का प्रयास आगामी कार्रवाई में किया जाएगा।